आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस के चलते शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा के सामंजस्य से शहर में कुछ निजी अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित किया है। उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुधीर दाकरे के दिशा निर्देश में ये कार्य चलेगा। कोरोना वायरस के चलते शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा के सामंजस्य से शहर में कुछ निजी अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित किया है। उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुधीर धाकरे के दिशा निर्देश में ये कार्य चलेगा। डॉ. सुधीर धाकरे ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले विभिन्न हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कोरोना पीड़ित मरीज के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल संचालक चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, ये गलत है। वो यही है कि पिछले दिनों कुछ जो घटनाएं घटी, जैसे पारस हॉस्पिटल में संक्रमण फैला, डॉक्टर राजीव गुप्ता कोविड पॉजिटिव हुए, डॉक्टर प्रमोद मित्तल जी हुए, और उस दौरान तुरंत उन लोगों के खिलाफ FIR हो गई। उससे क्या हुआ, डॉक्टरों में एकदम एक भैंसा बैठ गया, और इसको अदरवाइज न लें, इवन अखबारों में मीडिया में भी जिस तरह का आया जैसे कि डॉक्टर जो हैं वही दोषी हैं इस कोरोना को फैलाने में, जबकि आप सब अब तो समझ गए होंगे ये कोई सच नहीं है। यदि हम इलाज करते हैं तो आफत, क्योंकि हम ही फ्रंट लाइन में हैं। UPIMA के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुधीर धाकरे ने बताया कि जिला प्रशासन के सामंजस्य से गंभीर मरीजों के इलाज के लिए शहर में हॉस्पिटल को चयनित किया गया है। जल्द ही इन अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिलेगा। इलाज के दौरान चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ PPE किट पहनेगा। और आज DM ने कह दिया खोल सकते हैं, सावधानी बरतें, सावधानी हम बरत ही रहे। हमारी कमेटी ने निर्णय 3 दिन पहले ही ले लिया है। हम लोग तैयार हैं इस आपदा का सामना करने के लिए भी, और जैसे काम करते आए उसी तरीके से अपने मरीजों को देखने के लिए। मरीजों की हीमोडायलिसिस के लिए समर्पण ब्लड बैंक को चिन्हित किया गया है। ब्लड बैंक के हीमोडायलिसिस इंचार्ज अजय कंसल ने बताया कि 8 अप्रैल को शहीद नगर निवासी एक महिला की डायलिसिस के बाद उसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उसके बाद से यहां डायलिसिस की सेवाएं बंद हैं, इन्हें जल्द सुचारू किया जाए। जो भी हमारा समर्पण का स्टाफ था उनकी 18 तारीख को रक्त की उनकी जाँच की गई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई। सभी नेगेटिव आने के बाद जितना भी जो समर्पण में स्टाफ जो था क्वारंटाइन किया गया था, उनको वहाँ होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। आज की वर्तमान स्थिति ये, हमारा चाहे बहुत सारा स्टाफ, अधिकतर सारा स्टाफ 2-4-5 आदमी को छोड़ के, खास तौर से जो डायलिसिस का स्टाफ है वो क्वारंटाइन में है, और जब उनका क्वारंटाइन समाप्त हो जाएगा तब उनको कहते हैं हम बुला के डायलिसिस शुरू करेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था अभी हमारे पास कोई नहीं है, प्रयास हमारे द्वारा किए गए हैं, लेकिन जैसे ही स्टाफ की व्यवस्था होगी डायलिसिस बिल्कुल 100% शुरू की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और IMA आगरा की यह पहल कितनी सफल होती है। अजय बहादुर, सी न्यूज़ आगरा।